नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश पाटिल, अर्पिस किचन में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कभी कभी अपने घर में प्लेन राइस बच जाता है, तब इस बचे राइस का क्या करें यह सोच के हमें थोड़ा टेंशन आ जाता है। लेकिन चिंता मत करो, आज हम इसी बचे चावल का इस्तेमाल करके एक मसालेदार और स्वादिष्ट डिश बनाना सीखेंगे, जिसका नाम है बोम्बिल मसाला राइस। तो दोस्तों, यह रेसिपी सीखने से पहले इसकी सामग्री को जान लेते हैं। बोम्बिल मसाला राइस बनाने के लिए हमें लगेंगे सूखे बोम्बिल 10 से 15, एक बारीक कटा हुआ प्याज, एक बारीक कटा हुआ आलू, एक बारीक कटा हुआ टमाटर, 3 कटोरी उबला हुआ चावल, हरा धनिया, 2 बड़े चम्मच तेल, 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया और जीरा पाउडर, 2 छोटे चम्मच वाडवड़ी मसाला, अगर वाडवड़ी मसाला आपके पास ना हो तो 1 छोटा चम्मच मिक्स मसाला, साथ में 1 छोटा चम्मच गरम मसाला लीजिए और नमक 2 छोटे चम्मच। यह हुई सामग्री। अब हम कृति की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत में सूखे बोम्बिल लेके पहले पानी में अच्छे से साफ कर लो, बाद में उसके 2 से 3 इंच के बारीक टुकड़े कर लो। अब गैस चालू कर उस पर एक पैन गरम करने के लिए रख दो। पैन गरम होने के बाद तेल डालकर गरम कर लो। तेल गरम होने के बाद उसमें 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हींग और बारीक कटा हुआ प्याज डाल दो। अब इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके थोड़े देर तक भून लो। बाद में 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लो। अब बारीक कटा हुआ आलू डालकर फिर से मिक्स कर लो। मिक्स होने के बाद पैन को ढककर 3 से 4 मिनट तक धीमे आंच पर पकने के लिए रख दो। 4 मिनट बाद ढक्कन हटाकर चम्मच के मदद से आलू पक गया है कि नहीं यह देख लो। बाद में उसमें बोम्बिल के टुकड़े डालकर 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लो। बीच बीच में आवश्यकता अनुसार आंच को कम या ज्यादा करते रहो। बोम्बिल अच्छे से फ्राई होने के बाद उसमें हल्दी पाउडर डालो, धनिया और जीरा पाउडर डालो, पाडवड़ी मसाला डालो, अब बारीक कटा हुआ टमाटर डालो, 2 छोटे चम्मच नमक के डालो और फिर उसे मिक्स कर लो। बाद में
उसमें कटा हुआ हरा धनिया डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लो। आखिर में उसमें बचा हुआ चावल डालकर आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर लो, ताकि तैयार मसाले में चावल अच्छे से कोट हो जाए। अब पैन को ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट धीमे आंच पर पकने के लिए रख दो। 4 मिनट बाद ढक्कन हटाकर एक बार देख लो। इसी के साथ बोंबिल मसाला राइस खाने के लिए तैयार है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बिना भूले बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको मेरे अगले रेसिपी ट्रेनिंग वीडियो के बारे में पता चले। आपने अपना कीमती समय देकर यह वीडियो देखा, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।